बीते कुछ दिनों पहले पठानकोट के पटेल नगर में किराए पर रहने वाले कपड़ा व्यापारियों के घर से लगभग 5 लाख रुपए की चोरी हुई थी, जिसका मामला थाना डिवीज़न नंबर 1 में दर्ज किया गया था। वहीं थाना डिवीज़न नंबर 1 की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस द्वारा इस चोरी संबंधी दो चोरों को शिमला से काबू किया गया है, जिसकी पहचान अशफाक अहमद वे मोहम्मद कासिम निवासी जम्मू कश्मीर के रूप में हुई है। जानकारी में SHO बलदेव राज शर्मा ने बताया। पुत्र गिरवर सिंह जो यूपी के रहने वाले से होर भी साथी थे, ये काफ़ी सालों तो मॉडल टाउन में ना मकान किराए से लैके रह रहे थे। इतने अपना ये कारोबार रेडीमेड कपड़े का करते बाजार इन्हों के कुछ उस मकान पैसे इन्हें रखे हुए अपने बैग में पा के वो मिट्टी 4/12/19 में चोरी हो गए थे, जिस करके इन्हों के बयान जो परचा दर्ज किया गया से नामलूम व्यक्तियों के खिलाफ परचा दर्ज किया गया से। दौरान तफ्तीश ये दो दोषी गिरफ़्तार किए गए हैं। एक का नाम है अशफाक अहमद इलियस पाकू सन ऑफ मंजूर अहमद पिंड डोडवा तहसील बसोली जिला कठुआ जेंड के। दूसरा हैगा जी मुहम्मद काशिम सन ऑफ मुहम्मद इशाक पिंड भूंड थाना बसोली तहसील बसोली जिला कठुआ। ये दो व्यक्तियों जो इन्होंने मुकदमे गिरफ़्तार किया वा तो इन्हों पेश करके अदालत रिमांड लैके इन्हें तफ्तीश की जा रही है। किन्नी सर चोरी उन्होंने की थी? ये चोरी मौके पर उदो 2,30,000 की सी, बाकी होर भी इन्हें पैसे चोरी हुए थे। रिकवरी सर हुई? रिकवरी अजे नहीं की, इन्हें रिमांड लिया वा, इन्हों को पूछताछ करते हैं, फिर उस तो बाद इनको रिकवरी भी करा जी। तो सर कल ही करते सर हो रही? एक इन्हों होर जो है काशिम है वह जीजा वा गुलजार मलक भनवैया का वह भी नाल सीगा, लेकिन वह अजे साड़ी काबू नहीं आया। किन्ने चिर तो सर यह वारदात अंजाम दे रहे? नहीं अजे तक यही वारदात इन्हें मनी है, लेकिन पूछगिछ करते हैं। इस तो अलावा होर भी जो चोरियां की वो भी ट्रेस कर इन्हों को करा। इन्हों के खिलाफ मामला 456-380 का मुकदमा दर्ज है। तो कोर्ट च पेश कराओगे सर रिमांड वगैरह लिया जाएगा? हाँ रिमांड इन्हों का लिया वा, इन्हों कल फिर पेश करके फिर रिमांड हासिल करके बाकी तफ्तीश मुकम्मल करा।